स्थान बन गया है, एक आस्था का केंद्र बन गया है। डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की आराधना करना एक संस्कृति हमारी सनातन की है, ये बहुत अद्भुत है। इस पावन पर्व पर मैं सभी हमारे भाइयों को बधाई देता हूँ। और जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा वैसे ही, जब भी आप लोगों का कुछ भी काम रहेगा, ये त्यौहार का तो है, कल शाम को परमिशन नहीं आएगी तुरंत आने कलेक्टर साहब को कॉल करके तुरंत ही 7 बजे कलेक्टर साहब का ऑफिस खुलवा के परमिशन करवाया। आज फायर ब्रिगेड को बोल के तुरंत ही हमने वोट लगवा दिया। तो आप निश्चिंत रहिए, और ये त्यौहार गाँव आप लोगों का परिवार है, और परिवार में हमेशा मान सम्मान की बात नहीं होती, साथ काम करना होता है। आप भी हमारे साथ है, हमारा गांव भी आप लोगों के साथ है, इससे भी अच्छा कार्यक्रम। आप पूरे मंडल को सभी को मैं एक बार बधाई देता हूँ, जो रात दिन ये सब सुविधा ऐसे नहीं होती है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है। पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, और छठी माता को भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, और हमारा गाँव भी दिन ब दिन प्रगति कर रहा है, यही सच्ची मैया की कृपा से। इसके लिए मैं सबका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भरत माता की जय। धन्यवाद भैया। आइए अर्घ लेने का भी समय हो रहा है। थोड़ा सा भारत के मंडप के पदाधिकारियों से निवेदन है कि थोड़ा सा किनारे किनारे होकर के हम गुरुओं का और बड़े भाइयों का योगदान जो रहा है उनका इनके अगल बगल खड़ा हो जाए। आप सभी लोग अर्घ लेने का समय हुआ है। मैं चाहूँगा कि माननीय गुरु जी भी लोगों के साथ ये हमारे भाइयों के साथ ये मंडप का उच्चारण हो, बहुत बड़ा पर्व है, इसको मनाया जाए। मस्त है।
चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, भाई हो, बहन हो, भाबिया हो, सभी बंधुओं से निवेदन है कि पंडाल के बगल में काउंटर लगाया हुआ है, वहाँ पे अपना योगदान जो देना चाहे दिल खुश करके दे सकते हैं। साथ साथ में हमारे बजे रख देते एक दिन की निवेदना है, गाँव गाँव में पूजा बहुत बढ़िया है। हम और रामचंद्र भैया दोनों जगह मिलकर चूहन जाएगी। आप सभी से निवेदन की भैया आप सभी लोग परम का प्रसाद हम सबको देके जाए, लेकिन पाटान के बगल में काउंटर लगाया हुआ है वहाँ से प्रसाद भी लेके जाए। ये छठी मैया वाला प्रसाद तो और सभी के भक्तों को मिलता ही है, लेकिन हम सबको मिल जाए तो हम सभी धन्य हो जाएंगे। इस पर्व को मनाने में आज को जितनी खुशी होती है उतनी ही सेवा भारत नृत्य मंडल के लोगों को देकर के आप लोगों को होती है कि हम लोग जो सेवा हमको दे देते हैं उसमें हम लोगों को खुशी हो जाती है। लेकिन